मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में फैसला लिया गया कि 2 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सोमवार रात 12 बजे से शुरू हुई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से वार्ता के बाद स्थगित करने की घोषणा हुई। मंगलवार को लगभग पूरे उत्तराखंड में बिजली नहीं थी, जिसके बाद कुछ जगह बिजली आपूर्ति भी शुरू हो गई, लेकिन कुछ संगठनों की असहमति व्यक्त करने के बाद फिर आपूर्ति बाधित हो गई। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन द्वारा कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सरकार और प्रदेशवासियों की सहायता हेतु प्रदान की गई 30 एम्बुलेंस को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही फाउंडेशन ने सरकार को 20 ट्रूनेट जांच मशीनें और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रदान किए। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा रखी गई सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं सुनी। वहीं सीएम धामी ने काफी देर तक चले इस चर्चा में इन समस्याओं के उचित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का भरोसा दिया। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिससे पूरे उत्तराखंड में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। श्रावण मास के अवसर पर ऋषिकेश में नीलकंठ धाम हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा। नीलकंठ धाम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। धाम में द्वादश शिवलिंग मंदिर से पहले ही सड़क पर वाहनों का लंबा जाम दिखा। नीलकंठ मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ ने कोविड नियमों को तार तार कर दिया। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदली है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। वहीं यमुनोत्री हाईवे खनेड़ा पुल के पास मलबा और बोल्डर आने से पुल बंद हो गया है। हाईवे को खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में एसएसपी कृष्णराज एस ने नारसन और यूपी के पुरकाजी बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को ड्यूटी में लापरवाही न बरतने और हर वाहन की सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती कर रखी है। इसके चलते पुलिस ने भगवानपुर, नारसन और खानपुर बॉर्डर से 600 से अधिक वाहनों को वापस लौटा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को मंगलवार सुबह 6 बजे से 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक समारोह का आयोजन हो सकेगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों ने भी पदभार ग्रहण किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचे गणेश गुदियाल विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस भवन में भी उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। कि मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।